नमस्कार एन स्टूडियो में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे सीनियर सेकेंडरी बायोलॉजी में सम कॉमन ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर यहाँ पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं सम कॉमन ह्यूमन डिजीज पर और उसमें हमारी चर्चा अभी जो चल रही है वो है डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस तो उस उसी को उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा के बारे में इन्फ्लुएंजा जो है दैट इज कॉज्ड बाय वायरस विच अटैक्स आर बॉडी सेल्स रिजल्टिंग इन वेरियस इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन ऑफ द वायरस तो इसमें जो सिम्टम्स हैं यूजअली जो फीवर uh, है वो हंड्रेड टू वन हंड्रेड डिग्री फेरानाइट एंड इन अडल्ट एंड ऑफन इवन हायर इन चिल्ड्रेन तो इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसमें कफ सोट थ्रॉट रनिंग नोज हेड पेन इन द मसल्स एंड एक्सट्रीम फटीक की दिक्कत आती है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं तो इन्फ्लुएंजा में अगर मच ऑफ द इलनेस एंड डेथ कॉज बाय द इंफ्लुएंजा कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एनुलअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एनुअली इयरली एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन क्योंकि uh, आप uh, अक्सर देखा गया है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं दैट लीड्स टू सम टाइम अगर uh, थोड़ा सीवियर हो जाए तो वो डेथ का कारण बनती है क्योंकि उसमें लंग्स इम्पैक्ट होते हैं तो अभी भी जो कोरोना के केस में भी जो वायरस इंपैक्ट कर रहा है वो है वो लंग्स पे इम्पैक्ट कर रहा है और लंग्स जब इम्पैक्ट हो जाते हैं तो हम मतलब उससे मतलब उभर पाने में दिक्कत होती है और जो अगर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं और जो हमारे बच्चे हैं अगर उनको एनुअली हम लोग इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन दे रहे हैं तो वो इस तरीके की सीवियरिटी से बच बच सकते हैं अच्छा जो इन्फ्लुएंजा में से प्रभावित व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूड देने की कोशिश करें और उनके टेक सिम्टम्स रिलीफ विद द पैरासिटामोल और एस्प्रीन एस्प्रीन जो होता है वो बच्चे को अंडर एज uh, जो 16 बच्चे होते हैं उनको एस्परिन नहीं देना है और आई आई ब्रूफिन रिकमेंडेड बाई द डॉक्टर एंड कंसल्ट डॉक्टर इमिडिएटली फॉर द ट्रीटमेंट नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डेंगू की डेंगू हाल फिलहाल हमारे को हम सभी जानते हैं कि डेंगू का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है और उससे हमारे मतलब जो उसका जो वायरस है डेट कॉज फीवर एंड दो तरीके के फीवर हैं डेंगू फीवर एक है डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर एंड स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एडीज इज मॉस्किटो एंड इनक्यूबेशन पीरियड इसका वेरी uh, करता है फ्रॉम फोर टू सिक्स डेज एंड डायग्नोसिस जो uh, बनती है इसमें ब्लड टेस्ट से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं बाय स्कैनिंग फॉर एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेंगू तो डेंगू के सिम्टम्स में अगर uh, की और अगर हम बात करें तो देर इज़ अ सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर जनरली 104 से लेकर 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो चला जाता है एंड इट में लास्ट अप टू 45 डेज एंड सीवियर हेडेक होता है मोस्टली इन द फोर हेड एंड पेन इन द जॉइंट्स एंड मसल्स बॉडी एक्स and pain behind the eyes and also uh, it was, uh, was in the uh, eye movement and nausea or vomiting kibish incubation period uh, between uh, like the time between the bite of a mosquito carrying dengue virus and the uh, start of symptoms averages from 4 to 6 days with a range of थ्री टू फोर्टीन डेज है उसके डायग्नोज अगर हम कैसे कर सकते हैं ब्लड टेस्ट कर करा सकते हैं स्कैनिंग फॉर एंटीबॉडीज डेवलप हुए या नहीं अगेंस्ट डेंगू वायरस इन एडिशन ब्लड प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस कर जाते हैं डेंगू इन्फेक्टेड पर्सन में सो so, जो डेंगू है दैट इज स्प्रेड थ्रू द बाइट ऑफ एन एडीज मॉस्किटो जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर्स वेन मॉस्किटो बाई एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड सब्सिक्वेंटली बाई अ पर्सन तो इन ट्रांसमिटेड फ्राम द ब्लड कंटेनिंग द वायरस टू बी द हेल्दी पर्सन एंड दर्सन बिकम्स इन्फेक्टेड विद द डेंगू तो फर्स्ट सिम्टम जो हमने बोला फाइव टू सेवन डेज में इन्फेक्टेड uh, जो वो पाँच से सात दिन में इन, uh, इसके सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे और एडीज़ जो मॉस्किटो है वो हमारे डार्क uh, प्लेसेस में और जहाँ पे एक्टिव uh, uh, रहता है वो ड्यूरिंग डे टाइम और आउटसाइड uh, इट कोल्ड कूल एंड शेडिड प्लेसेस में भी ये इतना एक्टिव uh, रहता है और फीमेल मॉस्किटो जो होती है वो एडीज uh, मॉस्किटो जो होता है वो पानी में स्टेगनेंट वाटर में सचस कंटेनर्स में कूलर्स में टायर्स में uh, पानी जो भरा होता है वहाँ पे ये स्टे uh, करता है और ये अपने एग्स को uh, ये जो एग्स हैं बिकम एडल्ट इन अबाउट टेन डेज तो डेंगू हेमोरेजिक फ़ीवर की बात करते हैं तो दिस इज़ वेरी सीवियर एंड कंटिन्यूअस पेन इन द एवडोमन और रैशेज आ जाते हैं स्किन पर और ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज माउथ और इंटरनल ऑर्गन्स एंड फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग होती है विद विद और विदाउट ब्लड सो ब्लैक स्टूल ड्यू टू द इंटरनल ब्लीडिंग क्योंकि हेमोरेजिक होता है इसमें ब्लीडिंग होती है और एक्सेसिव प्यास लगती है और जो मुंह होता है वो सूख जाता है अब हम इसको किस तरीके से रोक सकते हैं और क्या मेजर्स हमें लेने चाहिए इससे प्रिवेंट करने के लिए तो पानी के ठहराव को ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए दो दिन से ज़्यादा नहीं रखना है और सो तो देट कि जो उसमें मॉस्टोज ब्रीड ना करें आपस में ब्रीडिंग ना हो मॉस्किटो की संख्या ना बढ़े उनकी तो मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकने के लिए हमें स्टोर्ड वाटर बॉडीज़ जो हैं पॉन्ड्स वेल्स उनसे उनको थोड़ा सा आपको आ, बचाना है पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए और पुरानी जो टायर्स हैं बॉटल्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दीजिए उनको फेंक दीजिए उनको आ, रखने की ज़रूरत नहीं है और मॉस्किटो रेपलेंट्स का यूज़ कीजिए लॉन्ग स्लीव्स पहनिए टू करटिल द एक्सपोजर अभी तक हमने बात की डिजीज़ कॉज बाय द वायरसेस अब हम बात करेंगे डिजीज़ कॉज बाय द बैक्टीरिया बैक्टीरिया में अगर हम पहले सबसे पहले डिजीज की बात करेंगे वो है ट्यूबिक्लोसिस उसमें हमारा जो पैथोजन है जो बैक्टीरिया है वो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें अगर आ, देखा जाए तो एयर बॉर्न होता है और डिस्चार्ज थ्रू द स्प्यूटम कफ एंड स्नीज ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन सो इनक्यूबेशन पीरियड इसमें टू टू टेन वीक्स है और ड्यूरिंग विच द बैक्टीरिया प्रोड्यूसर टॉक्सिंग ट्यूबक्यूलिन तो इसके सिम्टम्स ये हैं कि परसिस्टेंट फीवर रहता है कफिंग रहती है चेस्ट पेन रहता है ब्लड आता है थूक में uh, जो इंसान ट्यूबेकलोसिस होता है उसको थूक में uh, ब्लड आता है और जनरल uh, वीकनेस रहती है और वट काइंड प्रिवेंशन एंड केयर वी कैन टेक तो आइसोलेशन ऑफ पेशेंट टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इसमें भी आइसोलेशन की ज़रूरत है वो किसी के कॉन्टैक्ट में ना आए किसी के जिससे कि चांसेस ऑफ क्योंकि हम कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात कर रहे हैं तो ये एक हेल्दी डिजीज़ पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती है तो बी वैक्सीनेशन इज़ गिवन टू चिल्ड्रन एज ए प्रिवेंटिव मेजर बच्चों को छोटी सी ही उम्र में एक साल के अंदर हम इंजेक्शन जो देते हैं उसमें बी वैक्सीनेशन हम उनको दे देते हैं और जिस जहाँ जिस जगह ये पेशेंट हो बैठा होता है या रूम होता है उसका तो कोशिश करें कि वो लिविंग रूम शुड बी एयर नीट एंड क्लीन सराउंडिंग्स होना चाहिए अब टाइफाइड को अगर उसका पैथोजन देखा जाए ये दूसरी बीमारी है पहले हमने बात की ट्यूबो क्लासेस की अब टाइफाइड, टाइफाइड जो है एक इसका जो जो बैक्टीरियल वो है बैक्टीरियम वो रॉड शेप्ड सेलमोनेला टाइफी है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो वन टू थ्री वीक्स होता है तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो कॉन्टीन्यूस फीवर हेडक स्लोप पल्सलेट और रैशेज uh, हो जाते हैं जो कि आपको ज़्यादा विजिबल होंगे अपने आपके uh, स्टमक एरिया पे और इन एक्सट्रीम केसेस अगर हम देखें तो ये जो अल्सर्स होते हैं दे देट रापचर्ड एंड रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ द पेशेंट आप किस तरीके का प्रिवेंशन एंड क्योर लेना चाहिए एंटी टाइफॉइड इनोक्यूलेशन शुड बी गिवन और बाहर uh, का एक्सपोज्ड फूड और ड्रिंक मतलब जैसे पानी या कुछ भी जूसेस वगैरह बाहर का नहीं लेना है और प्रॉपर सैनिटेशन रखना है क्लिनलीनेस रखनी है एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा ऑफ द पेशेंट एंड एंटीबायोटिक शुड बी गिवन टू द पेशेंट तो ये uh, आप अपने मॉनिटर पे देख सकते हैं कि uh, टाइफाइड के जो सिम्टम्स होते हैं वो इजीली uh, मतलब पूरा रैशेज़ बॉडी में हो जाते हैं अब है कॉलरा कॉलरा काफ़ी का कॉलरा भी अपने टाइम में काफ़ी महामारी के रूप में उभरा था और इसका सबसे बड़ा कारण था कि कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर तो इसका जो पैथोजन है दैट इज कॉमाशेब बैक्टीरियम विब्रियो कॉलरा तो इसका करियर जो जो है वो हाउस फ्लाई है और इनक्यूबेशन पीरियड सिक्स आर टू 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 थ्री डेज है और इसके सिम्टम्स हैं डायरिया हो जाता है वॉटरी स्टूल हो जाते हैं मस्क्यूलर क्रैम्प्स आते हैं और लॉस ऑफ मिनरल्स यूरिन और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ होने के भी चांसेस रहते हैं तो कॉलरा वैक्सीनेशन शुड बी गिवन टू पेशेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको जैसे सोडियम पोटेशियम शुगर वो डिजॉल्व इन द वाटर एंड शुड बी गिवन टू द Patient to check the dehydration and proper washing and cooking of the food also is must for the prevention and cure. And proper disposal of vomit and human excreta and flies should not be allowed to sit on eatables and utensils. अब बैक्टीरियल डिजीज के बारे में चर्चा करते हुए अब हम बात कर रहे हैं डिप्टेरिया के बारे में डिप्टेरिया जो है इसका पैथोजन जो है वो है कॉनी बैक्टीरियम डिपथेरिय तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू एयर है और इंक्यूबेशन पीरियड जब इंक्यूबेट करता है आपकी बॉडी में तो वह है टू टू फोर डेज सिम्टम्स आने में लगते हैं इसका स्लाइटली स्लाइटली uh, इसमें फीवर रहता है सोर थ्रॉटनेस रहती है और थकान सी रहती है और वूजिंग सेमी सॉलिड इन द थ्रॉट मतलब खाने में दिक्कत होती है और अजीब सी एक चौकिंग सी होने लगती है और जिसकी वजह से एयर पैसेज में चौकिंग होने लगती है तो डेथ होने के भी चांसेस हो जाते हैं तो इसका प्रिवेंशन एंड क्योर है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन शुड बी गिवन एंड बेबी शुड बी गिवन डी वैक्सीन तो स्प्यूटम ओरल एंड नेजल डिस्चार्ज ऑफ द इन्फेक्टेड चाइल्ड शुड बी डिस्पोज ऑफ सो एंटीबायोटिक में भी गिवन अंडर द डॉक्टर सुपरविजन एंड आइसोलेशन ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड इज द मेजर फॉर प्रिवेंशन एंड क्योर देख सकते हैं आप अपने मॉनिटर पे कि डिप्टेरिया के जो वाइट पोर्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द दिस बैक्टीरियल डिजीज अब लेप्रेसी में जो बैक्टीरियम है वो है माइक्रो बैक्टीरियम लेपरे एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो इसका है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड इसमें नेजल सीक्रीशंस होते हैं दे दे आर मोस्ट लाइकली द इन्फेक्शस मटीरियल फॉर दैमिली कॉन्टैक्ट्स एंड जो अगर किसी को बीमारी है और उसको उस उसके नेज़ल्स सीक्रेशंस हैं वो इन्फेक्शस मटीरियल होते हैं किसी भी फैमिली में मेम्बर्स के लिए तो इनक्यूबेशन पीरियड जो इसका होता है वन टू फाइव ईयर्स होता है तो ये इफ़ेक्ट करता है अफेक्ट करता है हमारी स्किन को फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल्स एंड अल्स इसके जो सिम्टम्स हैं वो उसमें अगर हम बात करते हैं तो नोड्यूल्स छाले से पड़ जाते हैं मतलब बिल्कुल जो फिंगर्स एंड टोज़ हैं उनमें देखिए आप ये इमेज देख सकते हैं इसमें कि किस तरीके से लेप्रोसी इम्पैक्ट करती है और किस तरीके से हमारे पैरों में किस वो इन्फेक्ट किया है उसने फिंगर्स एंड टोज़ को एंड इन्फेक्टेड एरियाज़ जो होते हैं वो अपने सेंसेशन को खो देते हैं कोई भी किसी तरीके की सेंसेशन नहीं रहती है तो इसमें प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें तो चिल्ड्रन शुड बी कैप्ट अवे फ्रॉम पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रेसी एंड सम मेडिसिन अरेस्ट द डिजीज एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्प्रेडिंग लेप्रेसी में एक uh, कहा गया था कि भगवान कृष्ण के uh, बेटे को uh, मतलब एक श्राप था कि uh, उनको जब ये लेप्रेसी इस तरीके का हुआ था तो उनको uh, सूर्य के उससे प्रभाव से वो काफ़ी सूर्य भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और वो ठीक हो गए तो उसी के उसमें ये कहानी जुड़ी हुई है कि कोणार्क मंदिर बनाया गया था तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी सी सावधानी और थोड़े सा मतलब अगर हम परहेज़ करते हैं चीज़ों से तो हम एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं तो अभी हमने बात की वायरस बैक्टीरिया अब हम बात करें प्रोटोजोन्स की प्रोटोजोन्स में अगर हम मलेरिया की आ, मलेरिया में देखें तो मलेरिया का जो मलेरियल पैरासाइट है देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है आ, बाइट ऑफ एनफ्लीज मॉस्किटो और अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व डेज का इसका इनक्यूबेशन पीरियड रहता है और सिम्टम्स में अगर हम देखें तो है डेक है नोजिया है मस्कुलर पेन है फीलिंग ऑफ चिलनेस एंड शिवरिंग फॉलोड बाय फीवर व्हिच बिकम्स नॉर्मल अलोंग विद द स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम तो पेशेंट बिकम वीक एंड एनेमिक इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में वी लीड टू डेथ सो so, किस तरीके का की ओर करना चाहिए किस तरीके की प्रिवेंशन रखने चाहिए फिटिंग ऑफ डबल डोर एंड विंडोज इन द हाउस ऑफ प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो यूज ऑफ मॉस्किटो रेपेलेंस नो वाटर शुड बी अलाउड टू कलेक्ट इन डिचेज और अदर ओपन एरियाज टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ कैरोसिन ऑयल इन डिचेज और नालियों में ज़्यादातर बोला जाता है कि uh, ये कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए जिससे कि वाटर कलेक्ट ना हो और मतलब उसमें एक लेयर बन जाती है जो कि जिसकी वजह से ये मॉस्किटोज इंटरब्रीड नहीं करते हैं अब एमओबीएस की बात करें तो इसमें अमीबा हिस्टोलि हिस्टोलाइटिका uh, जो है वो पैथोजन होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है इसमें कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होता है सिम्टम्स अगर हम इसमें देखें तो फॉर्मेशन ऑफ अल्सर्स इन इंटेस्टाइन और एक एबडामिनल पेन और नोजिय की फीलिंग रहती है एक्यूट डायरिया हो जाता है म्यूकस इन स्टूल होता है एंड प्रॉपर सैनिटेशन शुड बी मेनटेन टू अवॉइड इट देख सकते हैं आप अपने मॉनिटर uh, पे अब है डिज़ीज़ कॉज्ड बाय वम्स फ्लेरासिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वाम्स एंड इसमें व्यूचेरिया बेनक्रॉफ्टी जो है इसका पैथोजन होता है और बाइट ऑफ मॉस्किटो एडीज एंड क्यूलेक्स जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू दिस मॉस्किटो एडीज एंड क्यूलेक्स एंड सिम्टम्स हैं इसमें फीवर्स फीवर हो जाता है कलेक्शन ऑफ एंडोथिलियल सेल्स एंड मेटाबोलाइट्स एंड द वॉल ऑफ लिम्फ वेसल्स तो स्वेलिंग हो जाती है कई पार्ट्स uh, में बॉडी के पार्ट्स में लेग्स में ब्रेस्ट में स्कॉटम में और uh, पैर जो होते हैं इट अपीयर्स लाइक लेग्स ऑफ एलिफेंट सो द डिजीज इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटेसिस तो इसमें प्रिवेंशन इन की और जो है जाल लगा देना जहाँ आप सोते हैं या दरवाजों पर टू इन द हाउस टू चेक द एंट्री ऑफ मॉस्किटोज जो वाटर कलेक्टेड इन द टैंक्स और अदर एरियाज शुड बी प्रॉपरली कवर्ड एंड स्प्रिंकलिंग ऑफ कैरोसिन इज वन ऑफ द मेजर

कॉज्ड डिजीज के बारे में बात बात की और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात की और प्रोटोजोन डिजीज के बारे में बात की अब है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में डायबिटीज़ जो है इट कैन बी डाइग्नोज बाई द ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट एंड ये कैसे मतलब क्या कारण होते हैं लेस सीक्रेशन ऑफ इंसुलिन हारमोन फ्राम द पैनक्रिया ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है और मेंटल स्ट्रेस होता है थ्रू हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कुछ ये लाइफस्टाइल बेस्ड भी होता है और कुछ वजह कारण होते हैं कि ये जेनेटिकली भी होता है इसमें अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो देयर इज अ मोर ग्लूकोज इन ब्लड एंड एक्सेसिव एंड फ्रिक्वेंट पासिंग ऑफ यूरिन फीलिंग थ्रस्टी एंड प्यास बहुत लगती है भूख बहुत लगती है जल्दी जल्दी भूख लगती है ग्लूकोज uh, uh, का जो लेवल है वो बॉडी में ब्लड में बढ़ने लगता है और रिड्यूस्ड हीलिंग कैपेसिटी ऑफ इंजरी अगर कहीं किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो उसमें uh, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करें तो इसमें दिस इज नाओ अडेज डायबिटीज इज़ वेरी कॉमन डिजीज़ क्योंकि लाइफ स्टाइल बेस्ड डिजीज हो चुकी है और अगर प्रिवेंशन इन के ओर की बात करते हैं तो कंट्रोल द एक्सेसिव वेट ऑफ द बॉडी एंड रेगुलर कंट्रोल डाइट इज टू बी टेकन एंड द फूड नॉट कंटेन शुगर एंड मच कार्बोहाइड्रेट सो देख सकते हैं आप अपने मोनिटर uh, पर कि, कि यह कि किस तरीके से ये ब्लाइंडनेस भी हो सकती है किडनी डिजीज और नर्व डैमेज हो जाता है इसके इम्पैक्ट डायबिटीज़ uh, से और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का होने का खतरा रहता है स्ट्रोक्स आ जाते हैं ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है हार्ट अटैक होता है एंड लॉस ऑफ सर्कुलेशन इन आर्म्स एंड लेग्स तो uh, ये uh, हमने बात किया है आज कम्युनिकेबल uh, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में और uh, समय की कमी को देखते हुए हम अपने इस uh, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं और uh, आगे uh, हम बात करेंगे uh, अगर मतलब और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में इसी के साथ मैं आपसे uh...